नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। पूरा मामला बांदा जनपद के ग्राम बदेहदू का है, जहां 11,000 की विद्युत लाइन जमीन से 4 फुट के ऊपर से है। ग्राम बदेहदू निवासी तीरथ प्रसाद पुत्र वैजनाथ पटेल 25 वर्ष खेत से घर आने पर जमीन से झूलते बिजली तार के चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गया। वहां काफी देर तक तड़पता रहा। खेतों की ओर जा रहे एक व्यक्ति ने देखा तो अवाक रह गया। उसके परिजनों को सूचना दी गई। गाँव के तमाम लोग मौके पर पहुंचकर आनन फानन में इलाज के लिए CHC लाकर भर्ती कराया, जिसका उपचार जारी रहा है। बताते हैं कि ग्राम साथी से बदेहदू के लिए 11,000 की विद्युत लाइन गई है, जो जमीन से 3-4 फुट ऊपर से बिजली लाइन झूल रही है। कई दशक पुरानी जर्जर विद्युत लाइन की तारें जमीन तक लटक रही हैं। कई लोग विद्युत लाइन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और कई बेजुबान जानवरों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। बहरहाल विद्युत विभाग की अनदेखी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। घटना ये हुई है कि जो बबीरू पावर हाउस से फुबंदी फीडर है, तो ग्राम साथी से भदेदू 2 किलोमीटर बहुत ही ओल्ड तार और ओल्ड खम्भे लगे हुए हैं। खम्भों की दूरी लगभग 100 से 150-200 किलोमीटर तक है, 200 किलोमीटर है, और तार इतनी नीचे है 11,000 की कि बताने में हमें अचंभा लगेगा आपको सुनने में। 3 से 4 फीट की तार नीचे आ चुकी है, जिस संबंध में विभाग के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को हमने कई बार लेटर के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से सूचना दिया, लेकिन अधिकारी किसी भी प्रकार की कार न करके ऊपर से धमा चौकड़ी मनाते हैं जनता के ऊपर। हम लगभग 3 साल से लगातार शिकायत करते चले आ रहे हैं। उस शिकायत पर इस फीडर को अलग तो किया गया, लेकिन लाइन नहीं बदली गई। अभी 15 दिन पहले मैंने मंडल के अधिकारी आए थे, तो मैंने वहाँ भी कहा था, और बांदा में चीफ साहब से, एक्सएन साहब से, AC साहब से, सभी ने सुनी और उन्होंने कहा कि ऐसी अत्यंत गंभीर समस्या को हम 2 दिन के अंदर शुरुआत करेंगे, लेकिन 15 दिन बीतने वाले हैं। अच्छा, इस लाइन से जो जमीन तक तार झूलते हैं जी, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने जानवर? देखिए, जानवर तो लगभग दर्जनों जानवर मौतें हो चुकी हैं, और ये विभाग के जानकारी में भी है, 2-3 लोग चपेट में आ चुके हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से जीवित बच गए हैं। मरने के बावजूद भी अंतिम सांस आज आप देख सकते हैं पूरी तरह से झुलस चुका है, और 4 फीट नीचे तार है। जैसे लोगों ने हम लोगों को बताया, ग्रामीणों ने देखा कि कोई अचेत अवस्था में पड़ा है, हम लोग मौके में गए, स्थिति बिल्कुल गंभीर थी, तत्काल हम लोग लेके आने के प्रयास किए। वहीं से संबंधित अधिकारियों से हमने बात किया, तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियंता XCN बांदा जी का कहना था कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, और कोई मरता है तो मरने दो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, विद्युत विभाग लापरवाही कर रहा है जी, लाइन को ठीक नहीं कर रहा, तो आप कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, पहले तो हम लोग आज ही XCN बांदा सहित अन्य अधिकारियों के, यहाँ का जो बबीरू SDO है वो भी कभी फोन नहीं उठाता है, लोगों को हड़काता है, और हम पहले एक बार लिखित में इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए और साथ में लाइन को दुरुस्त करने के लिए एक ज्ञापन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे। अभी मेरी माननीय विधायक जी से, बांदा विधायक जी से, स्थानीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, माननीय सांसद बांदा चित्रकूट जी से, और बांदा के लिए जो गौरवमयी राज्य मंत्री माननीय श्री रामकेन्द्र निषाद जी से फ़ोन पे वार्ता हुई है। हमने पूरी दुखद घटना उनको अवगत कराया है, उन्होंने कहा है कि तुरंत हम जिलाधिकारी से बात करते हैं और इस पर गंभीर अवस्था पर कार्रवाई कराते हुए आपकी लाइन को दुरुस्त करवाएंगे। बांदा जिला संवाददाता R9 भारत से शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।